हाय गाइस, मैं शीतल बाकर, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। स्पेशली हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा के दिन हमें कैसे पूजा करनी है, कैसे भोग लगाना है, कैसे लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में करना है। हमेशा हमें यही होता है कि लक्ष्मी कैसे आएगी शीतल, बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे शीतल। ये सारी चीजों के लिए हर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ छोटी रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और वही रेमेडीज लेके मैं आई हूँ। आज 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त है गुड़ी पाड़वा का। इस दिन आप कोई भी अच्छा काम शुरू कर सकते हो, वॉट एवर आपको बिजनेस शुरू करना है, आपके जो भी पेंडिंग काम थे, जो आप सोच रहे थे कि मैं कल करूंगा, मैं आज करूंगा, आज का शुभ मुहूर्त है, आज आप कर लीजिए। इसे शुभ मुहूर्त इसलिए बोला जाता है बिकॉज भगवान राम जी का इस दिन अभिषेक हुआ था, युधिष्ठिर जी का इस दिन अभिषेक हुआ था, तो ये दिन सभी के लिए हम लोग अच्छा ही मानते हैं। ये मुहूर्त बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग कैलेंडर ढूंढते कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा डेट अच्छा है, नथिंग गाइज। कोई भी अच्छा काम शुरू करना है पहले तो ये दिन आप शुरू कर लीजिए। चैत्र नवरात्रि भी उस दिन शुरू हो रही है, तो ये सबसे बहुत अच्छा मुहूर्त यहाँ पे रहेगा। कोई भी नया काम आप डेफिनेटली शुरू कर सकते हो। उसके बाद में आज आपको स्पेशल एक चीज बनानी है जिसका भोग आपको लगाना है। आपको पता है इस दिन हम लोग गुड़ी जो उभारते हैं बाहर, उसके ऊपर हम लोग नीम के पत्ते लगाते हैं। नीम का पत्तों का मीनिंग यही होता है, थोड़ा कड़वा है बट हेल्थ के लिए अच्छा है। और जब हम लोग ये फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तब हम लोग यही विश करते हैं कि इस दिन के बाद में सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, वेल्थ हेल्थ हमें मिलनी ही चाहिए। तो इस दिन के लिए स्पेशल आप लोगों को एक थिंग्स बनानी है। नीम के कोमल पत्ते ले लीजिए, जो छोटे छोटे हैं तो कड़वाहट थोड़ी सी कम रहेगी। उसमें थोड़ा काला मिर्च पाउडर लगा दीजिए, थोड़ा नमक, थोड़ा हिंग, थोड़ा जीरा, केसर, अजवाइन। वापस रिपीट करती हूँ, नीम के कोमल पत्ते, काली मिर्च, नमक, अजवाइन, देन उसके साथ केसर, ये जीरा, ये सब एक छोटा सा पाउडर बना लीजिए इसका, और इसका प्रसाद आप घर में सबको बांट सकते हैं। इसके बाद में आपके घर में कोई बीमारियों का आने का चांस ही नहीं रहेगा, इससे सारी बीमारियां आपके घर में से दूर हो जाएगी। सुबह उठ के आपको तिल के तेल का उपटन करना है, उसके बाद में वही ऑलवेज हम लोग जो पूजा करते हैं, गंध, अक्षदा, पुष्प और वो सब अर्पण करके आपको आपकी विश मांगनी है। वॉट एवर जो भी विश है, हेल्थ, वेल्थ, किड्स रिलेटेड होने दीजिए, होम्स रिलेटेड होने दीजिए, वॉट एवर जो भी है, इस दिन आपकी सारी विशेष पूरी होगी। बस ये भोग लगाइए, और डेफिनेटली श्रीखंड पूरी का भोग भी आपको लगाना है, और किसी जरूरतमंद को आपको खाना खिलाना इस दिन। और पॉसिबल रहा तो आप गोल्ड खरीद सकते हो, बेनिफिशियल रहेगा इस दिन, गोल्ड खरीदने का मल्टीप्लाइड होते रहेगा। कोई प्रॉपर्टीज खरीदनी है, गोल्ड खरीदना है, जैसे मैंने बोला कि कोई भी अच्छा काम करना है तो डेफिनेटली ये वाले दिन आप कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओम ब्रह्मनाय नमः का जाप एक बार आप कर सकते हो, जब आप पूजा में बैठोगे तो ब्रह्मा जी का आगमन आपके घर में हो जाएगा और आपकी पूजा सफल हो जाएगी। टिल देन गाइस, बाय बाय।